हैदराबाद गैंगरेप को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। दोषियों को तुरंत फांसी देने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी हैदराबाद जैसी वारदात हुई है। यहां बलरामपुर जिले में एक महिला का जला हुआ शव मिला है। पुलिस को शक है कि महिला का रेप करने के बाद उसकी जलाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र 20 से 30 साल के बीच रही होगी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक चारवाहे ने राजपुर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गोपालपुर मुरका बांध के निकट जंगलों में ये शव देखा था। इसके बाद बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता है कि मौत 2 से 3 दिन पहले हुई है। हमें शक है कि रेप के बाद महिला की हत्या कर दी गई है। मौके से एक बैग मिला है जिसमें शराब और खाने का कुछ सामान मिला है। फिलहाल हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी चूंकि PM हुआ नहीं है इसलिए हम बलात्कार की घटना की पुष्टि नहीं कर सकते। ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वहाँ कोई घटना हुई है, लेकिन ये तय है कि डेड बॉडी को देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाहर से कहीं से लाके डेड बॉडी को वहाँ पर जलाया। बता दें कि हैदराबाद में 26 साल की महिला डॉक्टर रोजाना की तरह ड्यूटी पर जा रही थी, लेकिन बुधवार को रास्ते में उसकी स्कूटी में पंचर हो गया और वो वहां रुक गई। इसके बाद महिला ने अपनी बहन को फोन करके बताया कि स्कूटी खराब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाद में महिला के साथ गैंगरेप होता है और उसे जलाकर मार दिया जाता है। पुलिस को महिला का शव जली हुई हालत में हाईवे पर ब्रिज के नीचे मिला था।